अरिबो बहन, जल्दी से मम्मा से बोलो कि मेरे लिए खाना लेके आए, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। जी भाईजान, मैं अभी मम्मा से आपके लिए खाना लाती हूँ। इब्राहिम, क्या हुआ बेटा? पापा, मैं ट्यूशन से वापस आया तो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी। मैं खाना खाने बैठा तो जब मैं खाने से फारी हुआ, इतनी देर में मेरी जमात निकल गई थी। इब्राहिम, एक बात बताओ, क्या आपको भूख इतनी तेज लग रही थी कि अगर नमाज पढ़ते तो नमाज में भी उस भूख की शिद्दत लगती आपको? जी पापा। अगर आपको कभी शदीद भूख लगी हो तो ऐसे में इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, आप जमात छोड़ सकते हैं और बाद में अपनी नमाज को पूरा करें। मगर ऐसा क्यों पापा? क्योंकि इब्राहिम बेटा, अगर आपको बहुत शदीद भूख लगी हो और ऐसे में आप जमात से नमाज पढ़ोगे तो नमाज में आपके खुशू-खुजू में खलल आएगा, तो शरण इजाजत है कि आप जमात छोड़ के पहले खाना खा लो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खाना खाते खाते नमाज का वक्त भी चला जाएगा तो पहले अपनी फर्ज नमाज अदा कर लो। हाँ, अपनी किराअत छोटी कर सकते हो तो शरीयत में इसकी इजाजत है। बेटा, ऐसी किसी सिचुएशन को अपनी आदत मत बना लेना, ये कभी कभार जिंदगी में मजबूरी के तहत है, समझे? जज़ाकअल्लाह पापा। कमेंट बॉक्स में आई लव नमाज जरूर लिखेगा।